निशा की गोद में उगता है सूरज, उषा के आंचल में चंद्रमा सितारे। कहती है गुमसुम सी पागल पवन, कहती है गुमसुम सी पागल पवन, ये प्रेम में क्यों होता है, ये प्रेम में क्यों होता है। मैं प्रारब्ध हूं। वैसे तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य की दिनचर्या सरिता मालिनी की वंदना से शुरू होती है और चंद्रोदय अथवा तारागमन पर निशा की गोद में शयन के साथ समाप्त होती है, किंतु उनके कार्यक्रम का अधिकतम विषय देवयानी के आसपास सिमट कर रह जाता है। मृत संजीवनी विद्या की प्राप्ति के बाद भी आचार्य शुक्र शांत नहीं बैठ सकते। उन्होंने कुछ नया आविष्कार करना शुरू कर दिया। अन्वेषण के समय में भी देव उनके समीप रहीं और एक जननी की भांति उनकी सेवा करती रहीं। ऐसा लगता है मानो अपनी माता जयंती का उत्तरदायित्व वह स्वयं निभाने को प्रतिबद्ध हो। प्रयोगशाला भी किसी भूल भुलैया से कम नहीं है। प्रवेश द्वार ही नहीं दिखाई दे रहा है। छिद्रों की क्या आवश्यकता है? अरे अकस्मात पश्चिम छिद्र से आने वाला प्रकाश बाधित कैसे होने लगा? लगता है देव भास्कर अस्ताचल में प्रवेश कर गए। ओ, सूर्य देव बादलों के साथ हाक मिचोली कर रहे हैं। किंतु ये छाया किसकी है? अरे ये तो किसी बालक की छाया है। कदाचित कोई ऋषि कुमार है जो उत्सुकतावश। नहीं नहीं, ऋषि कुमार इतना उद्दंड नहीं, कौन हो सकता है? देवयानी, देवयानी नीचे आ जाओ। ये क्या कर रही हो देवयानी? वहाँ मत देखो। क्यों ना देखूं? क्योंकि गुरुवर ने मना किया है। मना किया है? क्यों मना किया है? क्योंकि ऐसा करने से गुरुदेव का प्रयोग बाधित होगा, इसलिए नीचे आ जाओ।
गुरुदेव को मात्र अपने प्रयोग की चिंता है, किंतु मुझे अपने पिताश्री के स्वास्थ्य की भी चिंता है। मुझे अपने पिताश्री से मिलना है। परंतु गुरुदेव ने किसी से मिलने के लिए मना किया है। अरे बंधुओं, आप ये क्यों बोल रहे हैं? हम आपके गुरुदेव की पुत्री हैं। जानता हूँ देवयानी। जानते हो तो फिर पिता पुत्री के मिलन में बाधा क्यों बन रहे हो? हम बाधा नहीं बन रहे हैं देव, अपितु अपने शिष्य धर्म का पालन कर रहे हैं। हाँ देव, यदि गुरुदेव की साधना में किसी कारण भी विघ्न पड़ा तो फिर उनकी साधना निष्फल हो जाएगी। तपस्या के निष्फल होने का अर्थ है गुरुदेव का क्रोध। हाँ देवयानी, हमें व्यर्थ में प्रकोप का भागी मत बनाइए। आप सब व्यर्थ में ही भयभीत हो रहे हैं। आपके गुरुदेव को उनकी कठोर तपस्या का फल मिल चुका है। अर्थात हमारे गुरुदेव की साधना सफल हो गई? हाँ बंधु, हाँ। परंतु वो फल? वो फल मैं हूँ। हाँ, अपने पिताश्री की तपस्या का अनुपम फल और उनके जीवन की अनमोल निधि मैं ही तो हूँ। सही कहा तुमने देव, तुम ही मेरी साधना का सुफल और मेरे जीवन की अनमोल निधि। पिताश्री। देव, मेरी पुत्री। मेरी प्राण वायु। पिताश्री, इन फलों पे थोड़ी कृपा कर दीजिए। नहीं देव, नहीं, इस समय भूख नहीं है। कोई बात नहीं पिताश्री, लीजिए। नहीं देव, नहीं। क्यों नहीं, हम आपकी प्रतीक्षा में कब से भूखे हैं। अर्थात तुमने भी अभी तक कुछ नहीं खाया है। पिताश्री, आपको पता है हमारी दिनचर्या, हम आपके बिना कुछ नहीं खाते। क्षमा देव, क्षमा, मेरे कारण तुम्हें भी भूखा रहना पड़ा। लाडली, मुझे क्षमा कर देना। ठीक है, क्षमा कर दूंगी। लीजिए फल खाइए। पुत्री देव, अनाभ्यासे विषम विद्या, अजीर्णे भोजनम विषम। अर्थात अभ्यास के बिना विद्या और बिना भूख के भोजन विष के समान होते हैं। तो फिर हम भी नहीं खाएंगे। ये तो मुझ पर वज्रपात होगा। अवश्य लगती है पुत्री। पिताश्री, यदि आपको भूख प्यास लगती तो आप अभी तक भूखे क्यों रहते? देव बेटा। पिताश्री, आप अपने कार्य के प्रति इतने समर्पित हो जाते हैं कि अन्न जल भी त्याग देते हैं। देव, अपने कार्य के प्रति समर्पण आवश्यक है। कार्य के प्रति समर्पण और सच्ची लगन ही मनुष्य को लक्ष्य की ओर ले जाती है। मुझे भी आपकी समर्पण का अनुसरण करना चाहिए। अवश्य करना चाहिए पुत्री, किंतु विवेकपूर्ण समर्पण, विवेकपूर्ण अनुसरण, अन्यथा समर्पण प्रत्यर्पण हो जाता है और अनुसरण अनुकरण और पराया, ये दोनों घातक होते हैं। पिताश्री, मेरा समर्पण भी आपकी तरह होगा और अनुसरण भी आपका ही करूंगी। एक पिता के लिए गौरव की बात है देव कि उसकी संतान उसके पद चिन्हों पर चले।
किंतु कार्य क्षेत्र का निर्धारण स्वयं करना पड़ता है। तुम्हारा कार्य क्षेत्र क्या होगा इसका विचार करना अनिवार्य है। पिताश्री, मेरा कार्य क्षेत्र भी विश्व कल्याण और विश्व विकास होगा। मैं इससे संबंधित प्रत्येक क्षेत्र में कार्य करना चाहती हूँ। जिस प्रकार प्रत्येक कार्य क्षेत्र में आपका योगदान है, मैं भी वैसा ही करूँगी। अर्थात तुम भी इस प्रकार के प्रयोग करोगी? जी पिताश्री। तब तो तुम्हारे लिए एक नया आश्रम और एक नई प्रयोगशाला बनवानी पड़ेगी। ये प्रेम में क्यों होता है? अर्थात तुम भी इस प्रकार के प्रयोग करोगी? जी पिताश्री। तब तो तुम्हारे लिए एक नया आश्रम और एक नई प्रयोगशाला बनवानी पड़ेगी, जिसमें तुम अपनी नन्नी नन्नी सखियों के साथ नए नए प्रयोग करती रहना। मैं प्रयोग तो कर लूंगी, किंतु आपके मार्गदर्शन के बिना नहीं। आपकी सहायता की आवश्यकता तो रहेगी ना? गुरु की सहायता तो सदा शिष्यों के साथ रहती है। गुरु, गुरु बनकर आप मेरी सहायता करेंगे, पिताश्री बनकर नहीं? यदि मैं पिता बनकर शिक्षा दूंगा तो वात्सल्य का प्रभाव मुझे गुरु के कर्तव्य से रोकेगा और मैं अपने गुरुपद और शिष्यों के साथ न्याय नहीं कर पाऊंगा। अर्थात शिक्षा के दान में कोमलता की नहीं कठोरता की आवश्यकता होती है। हाँ, किंतु मेरी देव कठोर शिला पर भी अपनी भावना की कोमलता से आदर्श लेख लिख सकती। तो फिर अपने देव की एक बात मानेंगे? एक बात क्यों, अनेक बात मानूंगा। आप अपने इन ऋषि कुमारों को थोड़ा आराम दीजिए, इन्हें जाने की आज्ञा दे दीजिए, जिससे हम भी अपने आश्रम चल सकें। चलो हम ऐसा ही करते हैं। आज के कार्यक्रम का यही समापन करते हैं। अब सभी विश्राम करो। अपूर्वा, अब तुम ऐसे ही उद्यान में उत्तर दिशा के वृक्ष गिन करा। जाओ, जल्दी जाओ। नहीं समीक्षा, मैं वहाँ नहीं जाऊँगी। क्यों नहीं जाओगे? मुझे डर लगता है। क्यों डर लगता है? क्योंकि उद्यान की उत्तर दिशा में भयानक भयानक जंतु रहते हैं, सांप बिच्छू भी विचरते हैं। हाँ सर मिष्ठा, अपूर्वा सत्य कह रही है। डरपोक कहेगी, तुम लोगों के साथ मैं भी कभी नहीं खेलूंगी। जाओ तुम लोग। सेविका। जी राजकुमारी। हमें इन लोगों के साथ नहीं खेलना। जैसी आज्ञा राजकुमारी। तुम सभी जाओ यहाँ से। जैसी आज्ञा। अरे राजकुमारी, अरे राजकुमारी। पिताश्री, पिताश्री। मेरी राजकुमारी, मेरी पुत्री, आ गई आप? महाराज, आपके लाडली रुष्ट लगती है। हाँ, मैं रुष्ट हूँ। राजकुमारी, आपके रुष्ट होने का कारण क्या है? या किसी राज्य कर्मी ने आपकी अवज्ञा की, या किसी सेविका ने आपकी सेवा में कमी की? बताओ पुत्री, बताओ, हम उन्हें दंडित करेंगे। हाँ पुत्री, वो कौन है पुत्री जिसने तुम्हें रुष्ट करने की धृष्टता की है? सेविका, मेरी राजकुमारी को। रुद्रा को मत डांटिए पिताश्री, उसका कोई दोष नहीं। तो फिर किसका दोष है पुत्री? मेरे डरपोक सखियों का। डरपोक सखियों का? पुत्री हम कुछ समझे नहीं। मेरे रुष्ट होने का कारण मेरी सखियां हैं। पुत्री, सखियों ने ऐसा क्या कर दिया जो तुम इतना क्रोध में आ गई? कारण स्पष्ट करो पुत्री। मेरी सभी सखियां मेरे इच्छा के विरुद्ध व्यवहार करती हैं। आपकी इच्छा के विरुद्ध व्यवहार? हाँ। अर्थात? वो खेलने में मेरा साथ नहीं देती। सबके सब धीरू है, डरपोक है, कायर है। उनमें से
ये तो बड़ी गंभीर समस्या है। इसका तो समाधान ढूंढना पड़ेगा। इस समस्या का एक ही समाधान है महाराज, अर्थात हमारी पुत्री को ऐसी सखियां चाहिए जो निर्भीक हो, निडर हो, राजकुमारी की इच्छा के विरुद्ध कोई व्यवहार न करे, साथ ही खेल में राजकुमारी का साथ भी दे। क्यों पुत्री? जी पिताश्री। तब तो तुम्हारी बराबरी की सखी एक ही है और वो है देवयानी। ये प्रेम में क्यों होता है? ओ, ये तो बड़ी गंभीर समस्या है। इसका तो समाधान ढूंढना पड़ेगा। इस समस्या का एक ही समाधान है महाराज, अर्थात हमारी पुत्री को ऐसी सखियां चाहिए जो निर्भीक हो, निडर हो, राजकुमारी की इच्छा के विरुद्ध कोई व्यवहार न करे, साथ ही खेल में राजकुमारी का साथ भी दे। क्यों पुत्री? जी पिताश्री। तब तो तुम्हारी बराबरी की सखी एक ही है और वो है देवयानी। हाँ, देवयानी मित्रता के हर कसौटी पर खरी उतरती है। तो ठीक है, कल से तुम देवयानी के साथ ही खेलोगी। पिताश्री, आप सदैव कहते हैं ना शुभस्य शीघ्रम। अवश्य पुत्री। फिर मैं देवयानी के साथ कल से क्यों खेलूं? आज से क्यों नहीं? आज से इसलिए नहीं क्योंकि रात्रि हो गई और रात्रि का समय विश्राम के लिए होता है। अब आपको विश्राम करना चाहिए। पर गुरुदेव की लाडली देवयानी को भी विश्राम करने दो। जैसी आज्ञा पिताश्री, परंतु कल से हम देवयानी के साथ ही खेलेंगे। पिताश्री, आप अपनी देवयानी के साथ भेदभाव क्यों करते हैं? ये क्या कह रही हो देव? पिताश्री, हम पूर्णतः सत्य कह रहे हैं। नहीं देव, नहीं, ये सत्य नहीं है। तुम्हारे प्रति मेरे मन में कोई भेदभाव नहीं है। पिताश्री, बातें मत बनाइए, भेदभाव स्पष्ट दिखाई दे रहा है। यदि मेरी देव ऐसा कह रही है तो अवश्य ही सत्य होगा, परंतु मुझे कोई भेदभाव दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि प्रायः स्वयं के दोष दिखाई नहीं देते। बताओ देव, बताओ, मैं शीघ्र ही अपना दोष दूर करने का प्रयास करूंगा, कोई उदाहरण तो प्रस्तुत करो। भेदभाव का उदाहरण ये है। अभी भी नहीं समझे पिताश्री? नहीं देव, मैं अभी नहीं समझ पा रहा हूँ कि मैंने कौन सा भेदभाव किया। पिताश्री, आपकी शैया इतनी बड़ी है और मेरी शैया इतनी छोटी क्यों? ओ, तुम शैया के अंतर को अपने प्रति मेरा भेदभाव समझ रही हो। तो क्या ये भेदभाव नहीं है? नहीं देव, कदापि नहीं। तो दोनों शैया समान क्यों नहीं है? वो इसलिए पुत्री क्योंकि तुम अभी छोटी हो। परंतु कल तो आपने कहा था कि मैं सबसे बड़ी हूँ, आज अचानक से मैं छोटी कैसे हो गई? ओहो, लो, मैं अभी अपनी भूल सुधार लेता हूँ। अब वो शैया तुम्हारी, ये मेरी, अब तुम फिर से बड़ी हो गई। अब तो प्रसन्न हो? हाँ, बहुत प्रसन्न है, किंतु असमंजस भी है। असमंजस? वो क्यों भला? पिताश्री, आपके लिए शैया छोटी पड़ेगी, अब शयन कैसे कर पाएंगे? तुम्हारी प्रसन्नता मेरी निद्रा से बड़ी है देव, तुम्हारी प्रसन्नता मेरी प्रसन्नता, और तुम्हारी संतुष्टि मेरे जीवन का परम संतोष। चलो अब सो जाओ। परंतु हमें कहानी सुने बिना नींद ही नहीं आती, आप हमें? अवश्य अवश्य सुनाऊंगा। बताओ किसकी कहानी सुनोगी, अप्सराओं की, देवताओं की? नहीं। तो फिर बताओ किसकी कहानी सुनाऊं? ममता की। ममता की? हाँ पिताश्री, हमें हमारी माता श्री के विषय में कुछ बताइए ना।